देशभर में कोरोना के आज एक ही परिवार के 6 सहित कुल 11 नए केस सामने आए, जबकि 24 मरीज कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 704 पहुंच गया, जिनमें 627 स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक खंडेला के PHED में कार्यरत पंप ऑपरेटर के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से जालरा की डाणी दायरा में महिला, उसका बेटा, बेटे की बहू, बेटी और 8 वर्षीय पोती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं श्रीमाधोपुर के दिवराला, रिंगस के वार्ड 10, सीकर के घोराना की ढाणी के एक एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फतेहपुर के मोरडाटू छोटी में 29 जून को सामने आया मंजू कंवर की आत्महत्या का मामला हत्या का निकला है। मामले में पुलिस ने महिला के आरोपी प्रेमी नागौर निवासी टंवर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर महिला को दूसरे से प्रेम प्रसंग चलने का शक हो गया था। इसी के चलते आरोपी प्रेम ने पहले तो उड़नी का फंदा लगाकर उसे कमरे की कुंडी से लटका दिया और फिर खिड़की से धक्का देकर उसके रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन से वह पकड़ा गया। और सुसाइड नोट का जो लिखा हुआ था उसका एड्रेस से परीक्षण किया जाएगा और जो टॉवर सिंह है उसने गिरफ्तार कर लिया है। उससे जो पैसे जो ले गया था उसके संबंध में अनुसंधान जारी। पैसे की सर कोई 4 लाख की बता रहे हैं परिजन जानकारी? वो 4 लाख बता रहे हैं, तो 4 लाख थे या नहीं थे, क्योंकि उसका पति उम्मीद सिंह वो विदेश में रहता है, उसने ही पैसे भेजना बताया। रिंगस CSC में शिवसेना की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। प्रदेश संगठन मंत्री राजू धायल की अगुवाई में इस दौरान चिकित्सकों के अलावा मीडिया कर्मी व सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुखदेव सिंह महला, डॉक्टर विनोद गुप्ता और नर्सिंग कर्मी सुभाष धायल सहित कई लोग मौजूद रहे। पाटन इलाके के रामसिंहपुरा गांव में भाजपा OBC मोर्चा मंडल पाटन की ओर से संघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर पौधे रोपण का कार्यक्रम हुआ। रामानंद महाराज की तपोभूमि नवोदय आश्रम में इस अवसर पर भाजपा OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष सावरमल यादव और सेवादास महाराज सहित कई लोग मौजूद रहे। रिंगस के नजदीकी गाँव महरोली निवासी एक दिहाड़ी मजदूर ने सड़क पर मिला पर्स लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पाटन निवासी अंशुल तिवाड़ी बाइक से जयपुर जा रहा था, जिसका पर्स रिंगस रोड पर गिर गया, जो महरोली के निवासी पोखरमल सैनी को मिलने पर उसने बिना किसी इनाम के लिए वापस लौटा दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ व आसपास के इलाकों में आज जमकर बारिश हुई, जिससे जगह जगह पानी भर गया। वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया। इससे पहले दिन में जिले के कई इलाकों में तेज अंधड़ आया, जिससे कई पेड़, पोल और बोर्ड टूटकर गिर गए। मौसम विभाग की माने तो सीकर में कल से 2 दिन बरसात होने की संभावना है। अजीतगढ़ पुलिस ने शनिवार देर रात गुड़ला वाले हनुमान मंदिर के गहरे नालों से शातिर नकबजन व हिस्ट्री शीटर मुकेश उर्फ सूड़िया मीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि सावरपुरा शेखावतान निवासी सूड़िया की घर होने की सूचना पर उसका घेराव किया गया था, जो एक बार तो चकमा देकर भाग गया, लेकिन बाद में करीब 2 किलोमीटर पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खाटू श्याम जी की वृंदावन धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए सऊदी अरब और कुवैत के 168 प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने आज अपने अपने घर के लिए रवाना किया। सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने उन्हें बस व निजी वाहनों से घर भेजा। इस दौरान नगरपालिका की ओर से उन्हें खाने के पैकेट दिए गए।